उसको देख के ना गाना याद आ रहा है, लाल बाग से लाल लाल मैं लाल चुनरिया लाई, लाल लाल रंगवाई, मेरे को याद नहीं है वो गाना कौन सा है, बट ये गाना बहुत ही अच्छा था इसलिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये लगभग 15 साल पुराना है, बहुत पुराना कुर्ता है, बट ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैंने उठा के रखा हुआ कि कभी आएगा जिंदगी में तो पहन लूंगी, पता है नहीं आना है, साड़ी जैसे कि काम नहीं आएंगी अब कुछ भी, बट फिर भी मैंने रख ली है क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए और पहले जाते हैं, बहुत पहले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये साड़ी है और ये एक कपड़ा था और इस पर लेस देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी साड़ी है, लेस लगी हुई है, 20 साल पुरानी साड़ी है और प्लेन साड़ी है एकदम, तब प्लेन साड़ियाँ बहुत चल रही थी, प्लेन साड़ियों का चलन था उस टाइम पे। और ये देखिए साड़ी प्लेन थी, फिर मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर ना इस पर ये देखिए ये लेस लगाई बहुत ही प्यार से, और मैंने साड़ी बहुत पहनी थी, बहुत ही खूबसूरत लगती थी मैं इस साड़ी में, ये साड़ी नहीं मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती थी अपने आप को। तो चलिए एक साड़ी ये है बहुत ही खूबसूरत, फिर एक साड़ी ये है, ये देखिए ये भी प्योर पे है साड़ी, और ये साड़ी ली थी मैंने, मेरी चाची की बेटी की शादी थी यहाँ पर ससुराल में, चाचा जी जो उनकी बेटी की शादी थी तो तब ली थी, ये आई थी 3,500 की आई थिंक आई थी, जिस जिसके रेट मुझे पता है मैं आपको बताती चली जाऊँगी। प्योर पे साड़ी है, सिल्क में है प्योर पे, देखिए बहुत ही प्यारा सा इस पे वर्क है, और आज की डेट में भी ये साड़ी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरा साड़ी का कलेक्शन था, कलेक्शन है जो मींस था जो है अभी भी, लेकिन जो था वो कैसा लग रहा है आपको। तो भाई मुझे तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं साड़ियाँ, अभी भी इतनी ही अच्छी हैं, हो सकता है कि मेरी फीलिंग्स इससे जुड़ी हैं इस वजह से ये इतनी अच्छी हैं मे बी। और चलिए और जाते हैं, ये देखिए ये मेरे जो दूसरे चाचा जी हैं ना यहाँ पे, इनके चाचा जी अनिल के चाचा जी, उनकी शादी में, उनकी बेटी की शादी में मैंने ये वाली साड़ी ली थी, बहुत ही प्यारी साड़ी थी। और मैंने जो मेरी सिस्टर है ना छोटी वाली नीरू शर्मा, उसकी गोद भराई में मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक वाली साड़ी थी भाई साहब, मतलब बहुत ही प्यारी साड़ी थी। जब मैंने ये साड़ी पहनी तो सब ने तारीफ़ करी थी कि साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, तो ये साड़ी उतनी ही अच्छी थी जब और उतनी ही अच्छी है आज भी। इस पर वर्क देखिए, इस पर जो है ना ये जो है रबड़ प्रिंट दिया हुआ है, अलग सा प्रिंट है, रबड़ प्रिंट है, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, ये रबड़ प्रिंट का पैच लगा हुआ है इस पर, पूरी साड़ी प्लेन है, बॉर्डर दिया हुआ है चारों तरफ, बहुत ही प्यारी साड़ी है इसलिए, इसका ब्लाउज भी सेम था। चलिए और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं भाई साहब, ये देखिए ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, ये साड़ी है लगभग 20 साल पुरानी, आई थिंक 15 साल पुरानी है ना, ये देखिए 15 साल पुरानी होगी, बहुत ही प्यारा सा इस पर वर्क हो रखा है, ये देखिए वर्क दिखाती हूँ मैं आपको, हो जाए भाई सब क्लीन, इतनी शाइनी साड़ी है, देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है, इसका कलर, इसका जो है एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, कॉम्बिनेशन है, वो मुझे बहुत पसंद था, और इसमें जो इसमें मैं अच्छी लगती थी इसलिए मुझे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी मम्मी ने दी थी ये साड़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये साड़ी। तो चलिए और बैक चलते हैं, ये साड़ी आप देख रहे हैं, ये वाली साड़ी देखिए, पर्पल कलर है, वाइन कलर है ना, पूरे पे जाल बना हुआ है और पूरे पे साड़ी पे ये देखिए वर्क देखिए, ये मैंने खरीदी थी तब, कब खरीदी थी ये मैंने खरीदी थी, मैंने जब मेरे सबसे छोटे वाले भाई की शादी थी ना उसमें मैंने ये साड़ी खरीदी थी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत और ज़ोरदार साड़ी थी ये, मस्त वाली, और ये आई थी आई थिंक 3,500 या 4,000 के आसपास आई थी, 3,800 की आई थिंक ये आई थी, और बहुत ही प्यारी साड़ी थी ये, देखिए लग रही है ना खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, इसका कलर आज भी बहुत अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत सुंदर है। तो चलिए और आगे चलते हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि और आगे चलते हैं और पीछे चलते हैं, ठीक है, पीछे जा रही हूँ मैं बार बार, और पीछे जा रही हूँ और पीछे जा रही हूँ और पीछे जा रही हूँ, ठीक है चलिए। ये देखिए ये मेरी बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है ये, और क्यों है ये प्यारी, इसे मेरे मम्मी पापा लाए थे, कहाँ से लाए थे, आई थिंक बेंगलोर से इसे लाए थे, एक साड़ी ये है, दूसरी भी दिखा दी आपको, ये देखिए एक साड़ी ये है,
ये वाली बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा वर्क है, सिल्क की साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। एक साड़ी ये है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी। और एक वाली ये वाली साड़ी है, ये देखिए, ये ली थी मैंने मेरे शादी के टाइम की साड़ी है ये वाली तो। हाँ, ये मेरी मम्मी की चॉइस की साड़ी है, बहुत ही प्यारी। और आज की डेट में भी ये साड़ी ना उतनी ही खूबसूरत है जब ये पहले लगती थी, इतनी बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत सिल्क की साड़ी। इमोशंस बाहर आए जा रहे हैं, नहीं रुके जा रहे मेरे से, और बहुत प्यारी लगती है मुझे साड़ी ये। ये साड़ी प्लेन साड़ी थी, मैं और मम्मी लाए थे मार्केट से, और इस पे मैंने देखी ये स्टोन्स लगाए थे। फिर ये देखिए, ये वाले स्टोन्स मैंने लगाए थे, और इस तरीके से स्टोन्स लगा के इसके साथ जो ब्लाउज सिलवाया था ना, मैंने इसी कलर का सिलवाया था, प्रिंटेड ब्लाउज। बहुत पुरानी साड़ी है ये भी, 20 साल पुरानी है, और प्योर की है, बहुत ही प्यारी है ये। आज की डेट में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। और इसके साथ जब फिरोजी ब्लाउज जाता है ना, वो बहुत अच्छा जाता है, इसका जो कॉम्बिनेशन बैठता है ना, कॉन्ट्रास्ट जो बैठता है, बहुत ही प्यारा बैठता है, खूबसूरत बैठता है। ये वाली साड़ी अभी मुझे नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ है, मतलब अभी एक अलमारी साफ नहीं हुई है, पूरी अलमारी है, अभी बेड है पूरा भरा पड़ा है, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी। ये वाली साड़ी देखिए, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी, ये भी 15 साल पुरानी साड़ी है मेरी, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत। ब्लाउज तो अब आते ही नहीं है किसी भी काम के, नहीं बस ऐसे ही देखने के लिए रखे हुए हैं कि मेरे छोटे छोटे से ब्लाउज थे, ये मुझे आ जाया करते थे, मुझे अच्छे लगते थे, और इनसे ही मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि पतला तो अब हुआ नहीं जाता है। एक साड़ी ये है, और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी साड़ी है, मेरे शादी के टाइम की साड़ी है ये। और देखिए, मतलब शादी पे नहीं, शादी के आसपास ही ली थी, जब बाद में लड़कियां आती जाती हैं उस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी थी, इसका जो वर्क है ना वो एकदम डिफरेंट था। ये देखिए पल्लू जो है ना, बहुत ही खूबसूरत पल्लू, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा इसका पल्लू है, ये देखिए। और इसमें जो गोल्डन कलर का जो ये दे रखा है ना, गोल्डन कलर का धागा है, ये इसको रॉयल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा रॉयल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है इस साड़ी को। कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट, बहुत ही प्यारा और उम्दा कलेक्शन है, और ये मेरी मम्मी ने दी हुई है, तो ये उम्दा से भी उम्दा है। अब आते हैं एक साड़ी और, ये साड़ी क्या है, ये साड़ी जो है ना भाई साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, जब वैभव हुआ था ना, जब वैभव हुआ था तो उसकी कुआं पूजन पे मम्मी ने भेजी थी ये साड़ी मुझे। और ये देखिए, ये पल्लू है, और ग्रीन कलर का पल्लू है, और ये है साड़ी, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, प्यारी, न्यारी, और दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी, ये देखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी है ये, वैभव होने में आई थी ये, और मम्मी ने भेजी थी ये। और इसके साथ जो है ग्रीन कलर का ब्लाउज था, इसकी पिक भी मैं आपसे शेयर करूंगी, जब कुआ पूजना होता है ना, हमारे यहाँ कुआ पूजन होता है, कुआ पूजने जाते हैं, तब मैंने ये साड़ी भेजी थी, क्योंकि मम्मी ने भेजी हुई, मम्मी की भेजी हुई साड़ी मुझे पहनी थी, तो ये वाली साड़ी मैंने तभी पहनी थी। और पता है इसमें क्या हुआ था, नीरू और भाभी आई थी, तो उन्होंने, पता है इसका जो ब्लाउज था ना, वो टेलर ने दिया नहीं, तो उसका जो ब्लाउज था ना भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, उसका जो ब्लाउज था वो रास्ते में गाड़ी में, क्योंकि यहाँ से और मेरे घर तक का रास्ता 3-3.5 घंटे का था पहले, क्योंकि अब तो फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए, बहुत साल पुरानी बात हो गई है, और तब तक तो कुछ भी नहीं था, और बहुत टाइम लगता था, तो 3-3.5 घंटे में मेरा ब्लाउज भी रास्ते में तैयार होकर आया। और ये साड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, और वैभव के होने की है, और मम्मी ने भेजी है, इतने सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके अंदर, बहुत ही प्यारी साड़ी। और ये आती है एक चुन्नी, तो ये देखिए, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है चुन्नी, चुनरी 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 चुनरी, ये चुनरी चुनरी है मेरी। ये चुन्नी आई थी जब वैभव हुआ था ना, तब आई थी ये चुन्नी, और ये मैंने, मेरे को तो पहननी भी नहीं आ रही है, कैसे पहनी जाएगी ये देखिए,
ये देखिए चुन्नी, इतनी खूबसूरत सी चुन्नी है, लग रही है ना खूबसूरत, ये देखिए ये आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि ये पहले थी। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इससे तो जुड़े हुए हैं हमारे न जाने कितने इमोशंस, कितना पता नहीं क्या क्या जुड़ा हुआ है इनसे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है। आपको पता होगा अगर आप एक लेडी है ना तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो समझ जाएंगी, ज़रूर समझ जाएंगी। और जो जो समझ रही है ना मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगें। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, खूबसूरत और खूबसूरत, न्यारी, प्यारी, अच्छी। चलिए ये देखिए तो इसको देख के ना गाना याद आ रहा है, लाल बाग से लाल लाल मैं लाल चुनरिया लाई, लाल लाल रंगवाई। मेरे को याद नहीं है वो गाना कौन सा है, बट ये गाना बहुत ही अच्छा था इसलिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और चलिए बस यही था आज का कलेक्शन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है ये, और इसी वजह से जो लहंगे का कलेक्शन है ना, लहंगा यानी कि शादी तक पहुँचूंगी मैं कल, ठीक है। तो कल के व्लॉग में आपको मिलेगा कि मेरा लहंगा कौन सा मैंने पहना था, और आपको एल्बम भी दिखाती हूँ, ठीक है। मैं अपनी शादी की जो एल्बम है ना वो सारी दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लहंगा पहना था, और जो भी पिक्स मैं शेयर कर सकती हूँ वो आपसे शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चैनल पर बोल तो दिया सारी चीज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। राधे राधे, जय राम जी की। साफ स्वच्छ मन रखिए, सेहतमंद रहिए, भगवान आपको सारी कामनाओं को पूरा करे। और राधे राधे।